तो हेलो दोस्तों, यह है हमारा होममेड 50 mm अपर्चर का और 700 mm फोकल लेंथ वाला टेलीस्कोप जो हमने घर पर बनाया था। जैसा आज आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये जब मैंने बनाया था ऐसा नहीं था। इसमें मैंने डे बाई डे ऐसे ऐसे अपग्रेड किए और इसकी पावर को मैं बढ़ाता गया, और हमने बस आईपीस को चेंज करके और इसकी जो 700 mm फोकल लेंथ है उस पे ही हमने जो भी रिजल्ट यहाँ पे निकाले और आपके सामने यहाँ पे रखे। और इसी सारी सिचुएशन में जो 4 मंथ से यहाँ पे मैं कर रहा था, थोड़े थोड़े अपग्रेडेशन इसमें मैं करता गया और इसमें कलर्स और सारी चीजें ऐड करता गया। डे बाई डे जैसे इसकी परफॉर्मेंस को मैंने और इनहेंस करना चाहा, और कैसे ये मैंने किया ये मैंने सारी वीडियो शूट करके रखी है। और अगर आपने मेरी सैटर्न वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो मैंने वो इसी से यहाँ पे शूट किया था और कैप्चर किया था सैटर्न को, उसका फाइनल इमेज दिया था मैंने विदाउट बार्लो लेंस के। ये सारी चीजें यहाँ पे की है जिसमें उतनी अच्छी तो डिटेलिंग हमें नहीं मिली, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो हमने इस टेलीस्कोप से निकाली है। और मैंने इसके अपग्रेडेशन के बाद आपको बैक टू बैक 2-3 वीडियो दे भी दी है, लेकिन मैंने इसका अपग्रेडेशन आपको यहाँ पे नहीं दिखाया है। और आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने शुरू से लेकर एंड तक जो भी इसमें अपग्रेडेशन किए हैं, अगर आपके पास कोई इस तरह का रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप है या आप बनाने का सोच रहे हैं तो आपको किस तरह से उसकी पावर को बढ़ाना है जिससे आप उसे अच्छी तरह से एस्ट्रोफोटोग्राफी कर पाएं, बेहतर रिजल्ट ले पाएं उसकी मैक्सिमम पावर से। और सबसे बड़ी बात, हमें अपने रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप को किस तरह से कोलिमेट करना है वो भी आप आज की वीडियो में जानेंगे। अभी तक आपने सुना होगा कि मिरर वाले जो टेलीस्कोप होते हैं न्यूटोनियन वाले, उन्हें हम कोलिमेट करते हैं, लेकिन रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप को भी कोलिमेट किया जाता है, वो आगे आपको यहाँ पे पता लगेगा। तो थोड़ा शोर मिल रहा होगा एनवायरमेंट का, क्योंकि आसपास फील्ड है तो बच्चे खेल रहे हैं। तो आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा वो सब चीजें जो आप घर पे इजीली अपने टेलीस्कोप के साथ कर सकते हैं और उससे आप उसकी मैक्सिमम पावर को ले सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, आने वाली 4-5 वीडियो में ही मैं इस टेलीस्कोप को यूज करूंगा, फिर आपको एक नए टेलीस्कोप से वीडियोस मिला करेंगी, अभी तो मैं नहीं कह रहा हूं। और इस टेलीस्कोप को मैं स्क्रैप में नहीं डालने वाला हूं, ये मेरी जान है, इसे मैं दिल से लगा के रखूंगा और कभी ये मेरे से अलग नहीं होगा, चाहे मेरे पास कितना भी बड़ा टेलीस्कोप आ जाए, क्योंकि इसने मुझे वो सब चीजें दी जो एक बड़ा टेलीस्कोप नहीं दे पाता, क्योंकि इसने मुझे सारी चीजों को समझना सिखाया, किसी चीज पे पॉइंट करना है वो सारी चीजें सिखाई, और इसे मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो इसीलिए ये बैक टू बैक वीडियोस में आने वाली मेरे साथ यहाँ पे रहेगा और मैं इसे कभी भी अपने से अलग यहाँ पे नहीं करूंगा, ये मेरी जान है। दोस्तों वैसे तो आप जानते ही होंगे मुझे एस्ट्रो फोटोग्राफी का काफ़ी ज़्यादा शौक था बचपन से ही, लेकिन दोस्तों मैंने आपको 3-4 साल पहले से स्मार्टफोन से एस्ट्रो फोटोग्राफी करके दिखाया। आज से लगभग 4 महीने पहले मैंने एक ऐसी किट को मंगाया जिसमें मैं अपने होममेड टेलीस्कोप को बना सकता था, जिसमें 8 mm के आईपीस को मंगाया और साथ में एक एक्रोमेट डबल एट लेंस को मंगाया जो 50 mm का था। इसकी फोकल लेंथ 700 mm थी जो 87x मैग्नीफिकेशन देता 8 mm के साथ में। उसके बाद मैंने घर पे ही जुगाड़ किए काफ़ी सारे, क्योंकि इसके साइज के मुझे पाइप मार्केट में नहीं मिले, तो मैंने चार्ट पेपर को फोल्ड कर करके एक जुगाड़ लगा के पहला अटेम्प्ट स्टार्ट मैंने यहाँ पे किया अपने टेलीस्कोप के साथ में। इसके बाद मैंने कैबिनेट को चार्ट पेपर की मदद से ही बनाया, फोकसर को और एक मेन ट्यूब को बनाया, इसमें मैं बाद में ब्लैक कलर कर दूंगा। कैबिनेट तैयार होने के बाद फोकसर को मैंने चेक किया और ये सारी चीजें की, उसके बाद मेरा टेलीस्कोप बन के कुछ इस तरह से यहाँ पे आ गया था। यहाँ पे मैंने अपने टेलीस्कोप को बना के कुछ ऐसा यहाँ पे रखा और एक सामने मुझे एक टावर यहाँ पे दिख रहा था, उस पे मैंने पॉइंट करा। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी लाइफ का वो ऐसा पल था जब मैंने इतनी ज्यादा जूम को एक रियल लाइफ में अपनी आंख से एक्सपीरियंस किया था। तो उसके बाद टेलीस्कोप को मैंने एक ट्राइपॉड पे माउंट किया, रख के देखा उसका सेंटर पॉइंट निकाल के, इस तरह से वो उसका लुक यहाँ पे लग रहा था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मुझे दिक्कतें देखने को मिली, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पर देख रहे थे तो काफी ज्यादा देखने में प्रॉब्लम होती थी, हमें नीचे झुकना पड़ता था। इसी के बाद मैंने होममेड डायगोनल बनाने का प्लान किया और आपको इस पे मैंने एक वीडियो भी दिया था। ये सारी चीजें मैंने करने के बाद अपना होममेड डायगोनल और स्मार्टफोन होल्डर बनाया, जिससे मैंने आपको काफी सारी एस्ट्रोफोटोग्राफी वीडियो बैक टू बैक दी हैं। और बनने के बाद में हमारा टेलीस्कोप कुछ इस तरह से हुआ, कलर की काफी सारी चीजें की, और यहाँ पे मैंने जो डायगोनल बनाया था उसमें मैंने थर्ड क्लास मिरर को यूज किया, तो हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो दो दो इमेज यहाँ पे मिल रही थी, एक सरफेस से मिल रही थी और एक बैक से कोटेड जो मिरर था उससे मिल रही थी। फिर मैंने ओरिजिनल यहाँ पे डायगोनल मंगाया जिसमें एक सरफेस कोटेड मिरर यहाँ पे लगा था, ये मैंने मंगा लिया क्योंकि आपको वीडियो देना था। उसके बाद मैंने बैक टू बैक ओरियन की या और भी किसी ऑब्जेक्ट की मैंने आपको वीडियो यहाँ पे दी थी हार्ड वर्क करने के बाद, मैनुअल ट्रैकिंग करने के बाद। अब दोस्तों टेलीस्कोप को अपग्रेड करने से पहले हमारा टेलीस्कोप कुछ इस तरह से था जो मैंने चार्ट पेपर की मदद से बनाया था। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो कोलिमेशन है वो बिगड़ रहा है, यानी बैंड खा चुका है, क्योंकि चार्ट पेपर बैंड खा रहे थे और कोलिमेशन ठीक यहाँ पे नहीं बनना था।
यानी लेंस की जो लाइट जा रही थी वो एग्जैक्ट 20 पॉइंट पे नहीं जा रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर जो मैंने पेंट किया था वो काफ़ी ज़्यादा साइन यहाँ पे हो रहा था, यानी कि नॉइज बना रहा था हमारी इमेज को करने के लिए, क्योंकि साइनी कलर हमने कर दिया था। उसके बाद मैंने देखा यार लेंस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा धूल इकट्ठी हो गई है, काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल इसमें इकट्ठा हो गए हैं, तो इसे भी साफ करना बनेगा। मैंने लेंस को निकाल के देखा, उस पर भी आप देख सकते हैं इतने सारे डस्ट के पार्टिकल, यार मैंने तो वैसे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इसे हम साफ करेंगे। फिर मैं बाजार से लाया एक पाइप बहुत लंबा जो काफ़ी बड़ा था यार, जो इसका लेंस होल्डर था वो इसमें काफ़ी ज़्यादा लूज आ रहा था, और इसी को हम फिक्स करेंगे आगे, किस तरह से वो अभी आगे आपको पता लगेगा, क्योंकि ये इसमें पूरी तरह फिक्स नहीं बैठा था और हमें एक्यूरेसी के साथ करना था। यहाँ पे मैंने पहले वाले टेलीस्कोप के जो सामान थे उन्हें निकालना स्टार्ट किया, और यहाँ पे डायगनल था, ये डायगनल में मैंने सोचा था कभी पहले और एक अपग्रेड किया था कि मैं इसे एक व्हील की तरह से यहाँ पे इसे मैं फोकस कर पाऊंगा खींचने के बजाय एक रोल से यहाँ पे मैं कर पाऊँ, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने डायगनल को देखा तो उसमें भी काफी ज्यादा डस्ट यार इकट्ठा हो गई थी। और उसके बाद मैंने कैबिनेट को हटाया और दोस्तों यह इमोशनल हुआ क्योंकि मेरे दिल का टुकड़ा था ये। मैंने जिस तरह से बांधा था इसको आप देख सकते कितनी मेहनत यहाँ पे मैंने लगाई थी, और एक स्टेबल तरीके से रहता था, और मैंने इसमें ही एक कार्डबोर्ड लगाया था जो इसे हार्डनेस बना के रखता और हमारे फोकसर को एडजस्ट करता। फिर हमने सामान इकट्ठा किया, पाइप लिया, प्लास लिया, आरी ली और एक रेत लिया जो हमारे मशीन होती है उसको धार बनाने के काम में आता है। तो यहाँ पे इसके एजेस हैं पाइप के, ये ठीक नहीं लग रहे थे, मैंने क्या काम किया आरी ली और इसको काटना स्टार्ट यहाँ पे किया। शायद आई थिंक मैं इसे शार्प तरीके से काट पाऊँ, और यहाँ पे मैंने चेक किया तो ये गलत कट चुका था मेरे से, यानी कि एक तरफ से ज़्यादा कट चुका था एक तरफ से कम। फिर मैंने रेत लिया और इसको मैंने घिसा, हमारी भाषा में रेत कहते हैं जो धार लगाने के काम में आता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रही थी, एक तरफ से ये ज़्यादा मुझसे घिस चुका था, जहाँ से मुझे दिख रहा था ये कम यहाँ पे है, जो आगे हम लेंस होल्डर लगाएंगे तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। यहाँ पे ठीक ठाक लग रहा था वैसे, खड़ा बिल्कुल सीधा था। फिर मैंने लेंथ को नापा, जो पहले वाला हमारा कैबिनेट था उसको नापा, इसी के साइज का मुझे रखना है, लगभग 56 सेंटीमीटर मुझे रखना है। मैंने नाप के देखा तो यहाँ पे 56-55 के आसपास यहाँ पे आ रहा था, और फोकस मेरी शर्ट पे था जिससे क्लियर यहाँ पे नहीं दिख पाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो अपर साइड था उस लेंस का वो इसमें आसानी से फिट हो जा रहा था, लेकिन मुझे तो दूसरी साइड से चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा था। तो मैंने यहाँ पे पहले ही क्या काम किया, जो पहली वाली जो मेरी लेंथ थी मेन ट्यूब की वो मैंने यहाँ पे काटी, और काटने के बाद में दूसरा पाइप जो बच गया था उसका मैंने एक अलग यहाँ पे जुगाड़ बनाया, वो कैसे आप बताऊंगा। मैंने दोनों को जज किया तो दोस्तों यहाँ पे 3 से 4 गुना भारी था यार ये पहले वाले से, क्योंकि पहले वाला चार्ट पेपर से था और ये हमारे पाइप से था, तो इसकी काफी ज्यादा वजन हो गया। मैंने सामान को एक्स्ट्रा यहाँ पे जो था उसे हटा दिया। अब मैंने यहाँ पे नापा जो हमारा लेंस होल्डर था उसके बराबर मुझे रिंग्स को काटने होंगे, तब इसके अंदर मुझे फिट बैठाने होंगे, जिससे हमें एक्यूरेसी काफी अच्छी मिलेगी। मैंने रिंग्स को काटा काफी अच्छे तरीके से, रिंग को काटने के बाद यहाँ पे मैंने इसे यहाँ से काटना होगा, और मैंने सबसे पहला कट यहाँ पे लगाया। इसको कट लगाने के बाद मैंने पहले पाइप में ये डाल के देखा और कुछ इस तरह से कटा था ये, यहाँ से इसको काटना है, और यहाँ से मैंने इसको काटने के लिए जैसे ही आरी यहाँ पे उठाई तो मैं इसे काट रहा था और यहाँ पे मुझसे नुकसान हो गया और ये टूट यहाँ पे गया था। मैंने इसको भी हटा के फेंका, चल भाई परे को अब तू, टूट तो गया ही है। फिर मैंने इसे ऐसे ही बैठा के देखा कि आई हफ्ता ये काम यहाँ पे कर जाए, क्योंकि ऊपर जगह खाली थी। इस बार मैंने पहले ऊपर वाली चीज को काटा, तब इस रिंग को मैंने यहाँ पे काटा, जो मेरा काम यहाँ पे आसान बना देता। अब दोनों को लिया, दोनों को मैंने इसके अंदर डाल के देखा, काफी अच्छे तरीके से ये फिट यहाँ पे बैठ जा रहे थे। अब यहाँ पे मैंने लेंस होल्डर को लगा के देखा तो ये हार्ड यहाँ पे आ रहा था, तो मुझे यही तो चाहिए था। अब इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके घिस के इसे एडजस्ट कर लूंगा और मेरा लेंस रोल काफी प्रिसाइजली इसमें यहाँ पे लग जाएगा। मैंने इस तरह से लगाया, यहाँ पे अब एक दिक्कत मुझे देखने को मिल रही थी, इसमें कहीं ज्यादा कहीं कम यहाँ पे हो रहा था, तो इसको पहले मैंने घिसा। इसको घिसने के बाद आप देख सकते हैं काफी अच्छा एक्यूरेसी यहाँ पे आ गई, और अंदर से हमारा पाइप काफी ज्यादा गंदा था, मैंने इसको लगा के देखा काफी इजीली यहाँ पे आ जा रहा था। और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर भी एक यहाँ पे पाइप चढ़ा दिया, क्योंकि इसमें मुझे डिजाइन बनाना है, वो आगे अभी पता चलेगा आपको। और यहाँ पे ये भी कुछ गलत तरीके से कटा हुआ था, इसको मैंने फिक्स करके कुछ ऐसा लुक हमारे टेलीस्कोप का सामने से आने वाला, काफी अट्रैक्ट कर रहा है यार ये डिजाइन, जो क्रोम है बीच में ब्लैक कलर की वो काफी अच्छी यहाँ पे लग रही है इन दोनों के बीच में। फिर मैंने फोकसर को देखा, ये भी यार काफी ज्यादा ढीला हो रहा है, इसको भी फिक्स करना होगा। तो इसके लिए भी मैंने काफी सारे रिंग्स को काटा, लेकिन उससे बात यहाँ पे नहीं बनी। मैंने ट्राइपॉड पे रख के देखा तो काफी अच्छा लुक यहाँ पे दे रहा था, लेंस अभी मैंने यहाँ पे नहीं लगाया था। अब दोस्तों शाम यहाँ पे हो गई और मैंने इस पे कलर करना स्टार्ट किया। ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे बनाना चाहा, क्योंकि पहले वाला भी कलर मेरा कुछ इस तरीके था, और कलर करने के बाद भाई साहब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो टेलीस्कोप का फर्स्ट लुक है वो किस तरह से लग रहा है, मुझे काफी अट्रैक्ट करता है। अभी अंदर भी कलर करेंगे बाद में। तो अगला दिन है आज, मैंने इतना प्रोसेस कर लिया, इस पे कलर कर लिया है और इसे एक थोड़ा सा डिजाइन दिया है, एक कैमरा के आगे जो लगा होता है उसका रिंग,
उसके शेप में, और मैंने यहाँ पे अपना पहला ही कलर कॉम्बिनेशन रखा है। अब बारी है दोस्तों जो इसमें फाइनल अपग्रेडेशन रह गए हैं, इसमें हमारे फोक्सर को लगाना, जो हमारा होममेड वो उस तरफ रखा हुआ है, उसे ही अभी फिलहाल मैं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है। और अभी मैं मैनुअल फोकसिंग पे ही ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं सीख पाऊँ। अब दोस्तों यहाँ पे लेंस आप देख सकते हैं कितना गंदा है, और ये किसी ने छू भी लिया था, मैंने ऐसे ही रख दिया था यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, आप ऐसा मत करना, ध्यान रखना, यहाँ पे काफी गंदा है। अब मैं इसे पानी से धो रहा हूँ, और मैंने नॉर्मल पानी से धो दिया, आप मत धोना, क्योंकि यार इसमें जो पानी में जो मिनरल्स होते हैं उनके स्पॉट रह जाते हैं। फिर मैंने इसे धोने के बाद एक ऐसा सॉफ्ट क्लीन यहाँ पे क्लॉथ लिया जो हमारे गॉगल्स के साथ में आता है, और इसे मैंने यहाँ पे साफ किया काफी आराम से। आपको टाइम लैप्स में ऐसा लग रहा होगा कि इतने हार्श तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं काफी हल्के हल्के कर रहा हूँ जिससे स्क्रैच यहाँ पे ना आए। साफ करने के बाद आप देख सकते हैं यार कितना ज्यादा क्लीन यहाँ पे हो गया, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी इसे खरीद के लाया हूँ। अब मुझे यहाँ पे जो हमारा फोकसर है उसको लगाना है, तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया जो पहले वाला हमारा जो मैंने अंदर कार्डबोर्ड लगाया था पहले वाली कैबिनेट में, उसको मैं यहाँ से काटूंगा और इसे निकाल के इसी के अंदर यहाँ पे मैं फिट कर दूंगा। मैंने काट के सारी चीजों को निकाला, और निकालने के बाद मैंने उसको पहले वाले पाइप से हटा के दूसरे में लगा के देखना चाहता, वो काफी लूज था। फिर मैंने पाइप के कुछ टुकड़े काटे, उसको लगा के देखना चाहता, ये परफेक्टली इसमें आ रहा था जैसा मुझे चाहिए था। फिर फाइनल चीजों को करने के बाद कुछ इस तरह से फोकस इसमें आराम से आ जा रहा था, काफी टाइट था, इसे मैं बाद में ढीला कर लूंगा आराम से। और यहाँ पे कोलिमेशन आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, बिल्कुल जो सेंटर हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद मेरे हाथ गंदे थे, धो के आया और मैंने लेंस को बैठाने की कोशिश की लेंस होल्डर में। देख सकते हैं ये लेंस भी काफ़ी ढीला यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं डक्ट टेप का यूज कर सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने कागज़ का यूज किया तीन साइड से, और इसे बैठाना चाहा, फेल हो गया। दोबारा से मैंने ट्राई किया, फाइनली मैंने लेंस को बैठा दिया होल्डर में। यहाँ पे इसमें अभी रंग करना बाकी था। अब यहाँ पे 20mm का मेरा एक आई पीस था, उसके ऊपर वाली लेयर से देख रहा था मोबाइल से, तो काफ़ी दिक्कतें हो रही, तो मैंने ब्लेड से काटने की कोशिश यहाँ पे की, और इसको काटते काटते भाई साहब बड़ी तेज मेरे ये लग गया, बहुत लंबा घाव यहाँ पे बन गया, काफ़ी दर्द हो रहा था यार सच में। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारी ट्यूब थी उसके अंदर हमें ब्लैक कलर करना था, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, हमें नॉइजी इमेज काफ़ी ज़्यादा मिलती, हमें एक्यूरेसी चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक सैंड का यहाँ पे यूज किया और साथ में ब्लैक कलर का यूज किया। आप यहाँ पे ब्लैक चार्ट यूज कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से हो जाएगा वो, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए थी। ब्लैक कलर करने के बाद में मैंने इसमें ब्लैक सैंड जो डाला था वो काफ़ी अच्छे से चिपक जा रहा था उसके साथ में, और चिपकने के बाद में काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी के साथ लगभग 1% लाइट को ही रिफ्लेक्ट यहाँ पे कर रहा था, और बाद में सूखने के बाद भाई साहब बिल्कुल ब्लैक यहाँ पे हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूखने के बाद काफी ब्लैक हो गया, लेकिन इसमें कुछ रेशे चमक रहे थे सैंड के, तो मैंने इसमें कपड़ा डाल के इसके साफ कर दिया था, और हाथ काफी ज्यादा गंदे हो गए थे, कभी कलर लगा कभी कुछ, तो ये तो हो ही जाता है ये सब चीजें करने में। उसके बाद जो हमारा फोकसर था उसके अंदर भी मैंने इसी तरह से कलर किया था, और यहाँ पे सैंड को लगा दिया था जो ब्लैक सैंड थी, ये कब लगभग 1% लाइट को ही रिफ्लेक्ट यहाँ पे कर रहा था। फिर मैंने यहाँ पे चेक किया हमारे जो डायगोनल का मिरर था वो भी काफी गंदा यार यहाँ पे हो गया था, मैंने उसी प्रोसेस से इसको साफ किया। यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई, ये सरफेस कोटेड मिरर था, काफी शाइनी था, लेकिन यहाँ पे जब मैंने साफ किया तो इस पे काफी ज्यादा स्क्रैच बन गए और इमेज फेड फेड मुझे दिखाई दे रही थी, यहाँ पे नुकसान हुआ। आप लोगों का ही मैंने एक कमेंट पढ़ा, एक ने यहाँ पे जवाब दिया कि सर आप यहाँ पे एक HDD निकाल लीजिए अपने पुराने सिस्टम से, तो मेरा पड़ा हुआ था मैंने निकाला, उसमें से मैंने काटा, ये लगभग 99% लाइट को रिफ्लेक्ट यहाँ पे कर देता है। देख रहे हैं कितना शार्प आ रहा है मेरा फोन, और मेरा फेस कितना साफ यहाँ पे चमक रहा है। इसी को मैंने उसके आकार का काटा और यहाँ पे लगाया, कितना शार्प यहाँ पे है आप देख सकते हैं, लगभग 99% लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब दोस्तों हमारा टेलीस्कोप बनके काफी प्यारा लग रहा है, इन फ्यूचर इसमें मैं फाइंडर स्कोप भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा आपका जो ट्यूब है और फोकसर है वो 180 डिग्री पे अलाइन होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद मेरा जो फोकसर है इसमें भी आपको एक चीज देखनी होगी, क्योंकि इसमें मैंने प्लेटर का मिरर यहाँ पे लगाया है जो 99% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और ये काफी प्रिसाइजली मैंने यहाँ पे 90 डिग्री पर ही यहाँ पे अलाइन किया। आप देख सकते हैं बिल्कुल जो फोकसर का डाया है वो बिल्कुल इसके सेंटर से होकर यहाँ पे निकल रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल डीकोलिमेट किया हुआ है, कैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऊपरी डाया है जो बाहर जहाँ फोकसर लगता है उसका रिफ्लेक्शन ये वाला है, और जो हमारे लेंस का रिफ्लेक्शन आ रहा है वो ये वाला है। इससे होगा क्या दोस्तों, ये डीकोलिमेट है, इस टाइम जो लाइट आएगी लेंस की वो यहाँ से होकर गुजरेगी, ना कि सेंटर पॉइंट से, जैसा कि आपको दिख रहा है वो वाला रिफ्लेक्शन। तो इससे हमें जो इमेज मिलेंगी वो काफी धुंधली मिलेंगी, और यहाँ पे क्रोमेटिक एवरिएशन की मिलेंगी, हम इससे डिटेल यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे इस सिचुएशन में। अब हमें इसे कोलिमेट करना
करना है कैसे। अगर आपने होममेड टेलीस्कोप बनाया तो आपने एक लेंस लगाया होगा, उसको आपको फ्रीली मूव हो ऐसा आपको रखना, और थोड़ा हार्ड भी वो हो, इससे आप दाएं बाएं करके कोलिमेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा छेड़ा तो आप देख सकते हैं जो हमारे रिफ्लेक्शन हैं वो यहाँ पे दाएं बाएं हो गए हैं। पहले ये ऊपर की साइड आ रहा था साइड में, राइट साइड में, अब ये थोड़ा सा अपर साइड में चला गया है। मैंने इसे बहुत देर के बाद कोलिमेट किया ऐसा करके, तो आप देख सकते हैं तीनों को मैंने जो बाहरी आउटलाइन है और जो लेंस का रिफ्लेक्शन है और जो हमारी ट्यूब का रिफ्लेक्शन है बिल्कुल अलाइन हो चुका है सेंटर पॉइंट पे। मैंने इसे डीकोलिमेट करके फिर से आपको एग्जांपल के लिए दिखाना चाहता हूं, ये भाग गया देखो रिफ्लेक्शन, आपने देखा होगा। और जैसे ही आप लेंस को मूव करेंगे तो ये रिफ्लेक्शंस आपस में कोलिमेट होते हुए भागे हुए दिखाई देंगे, और इसी तरह से आपको अपने लेंस को बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे अलाइन करना है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है सेंटर पॉइंट कहाँ है बाहरी ट्यूब का, तो आप इस तरह से कुछ प्लस यहाँ पे बना सकते हैं धागों की मदद से, जिससे आपको सेंटर पॉइंट ट्यूब का यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह से आप इसे कोलिमेट कर सकते हैं, और आपको मैंने जो भी डिटेल्स दी हैं इसी तरह से कोलिमेट करके आपको अपनी वीडियोस यहाँ पे दी हैं। और एक बात का और आपको ध्यान रखना है, जो आपके डायगोनल से लाइट आ रही है आपको सामने से देखनी है कि वो सेंटर पॉइंट से आ भी रही है या नहीं आ रही है, और मैंने यहाँ पे परफेक्टली अपने डायगोनल को भी अलाइन इस तरह से यहाँ पे किया हुआ है। तो भाई दोस्तों, इस तरह से मैंने अपने इस टेलीस्कोप को जो 50mm अपर्चर का है इसे डे बाई डे इस तरह से अपग्रेड किया और आपको मैंने रिजल्ट यहाँ पे दिखाया। अब ये मैंने अपने स्मार्टफोन से किया था, ये अभी भी और भी अच्छी डिटेल यहाँ पे दे सकता है अगर हम इसके साथ एक एस्ट्रोनॉमी कैमरा अटैच यहाँ पे कर देंगे तो काफी शार्प इमेज हमें देखने को मिलेंगी। और दोस्तों, मुझे आशा है जो मैंने ये अपग्रेडेशन का वीडियो बनाया है इस 50mm का टेलीस्कोप का, आपको कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो आप यहाँ पे नहीं जानते होंगे, और आप इन्हें इनहेंस कर पाएंगे अपने होममेड टेलीस्कोप के साथ में, आप अपने फ्यूचर में बनाने का सोच रहे हैं तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।